हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बिजली के निजीकरण हेतु संसद में रखे जा रहे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के विरोध में देश के तमाम बिजली कर्मचारियों की ओर से काम छोड़कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में अम्बाला के बिजली घरों में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में प्रभावी हस्तक्षेप करने की अपील की है ताकि जल्दबाजी में इस बिल को संसद में पारित न कराया जाए। केंद्रीय विद्युत मंत्री आरके सिंह की ओर से इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लोकसभा में रखे जाने के विरोध में देश के तमाम बिजली कर्मचारियों की ओर से काम छोड़कर दिन भर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बिजली उपभोक्ताओं और बिजली कर्मचारियों से विस्तृत चर्चा करने हेतु इस बिल को संसद की बिजली मामलों की स्टैंडिंग कमेटी को संदर्भित कर दिया जाए। कर्मचारी नेता देवी प्रसाद भट्ट ने कहा कि पूरे देश के बिजली कर्मचारियों में भारी गुस्सा है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल का मसौदा लोकसभा के सांसदों को दिया गया है और इस पर केंद्रीय विद्युत मंत्री आरके सिंह के हस्ताक्षर हैं। इससे स्पष्ट है कि इस बिल पर किसी से भी राय नहीं मांगी गई। उन्होंने आगे बताया कि बिजली संविधान की समवर्ती सूची में है। बिजली के मामले में कानून बनाने में केंद्र और राज्य का बराबर का अधिकार है, किंतु इस बिल पर केंद्र सरकार ने किसी भी राज्य से कमेंट नहीं मांगे हैं। सरकार इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में संशोधन करने जा रही है जिससे बिजली कर्मचारियों और बिजली उपभोक्ताओं पर प्रतिगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं। केंद्र सरकार की इस एकतरफा कार्यवाही से बिजली कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। अम्बाला से हमारे विशेष संवाददाता सुरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। देवी प्रसाद भट्ट, प्रदेश प्रवक्ता, मुख्य प्रदेश प्रवक्ता एचएससीबी वर्कर यूनियन, जिला प्रधान हरियाणा कर्मचारी महासंघ। आज पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में बिजली बिल अमेंडमेंट 2022 के विरोध में, जो कि आरके सिंह बिजली मंत्री हैं, उन्होंने सदन के पटल पर रखने के लिए उसको मसौदा तैयार किया है, वो कर्मचारियों के हित में भी नहीं है और आम उपभोक्ता के हित में भी नहीं है। जब 2003 अमेंडमेंट बिल आया था उसको स्क्रीनिंग कमेटी के पास भेजा गया और उसके बाद जनता से, कर्मचारियों से पूरी बात हुई, लेकिन इस बिल में कोई भी कर्मचारी से बात, यूनियन संगठनों से बात नहीं हुई। हम प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि भी इसमें हस्तक्षेप करें और हस्तक्षेप कर के कर्मचारियों से, एक संगठनों से जो है बात करके और इसको जो है तब लागू करें, तब इसमें विधेयक को जो है संसद में पेश करें। पब्लिक को नुकसान ये होगा कि एक सरकारी कंपनी बनेगी और बाकी और प्राइवेट कंपनियां बनेंगी और जिसको जो है बेचा जा रहा है, खरीद फरोख्त की जा रही है कंपनियों के द्वारा, और इस निगम की जितनी ज़मीनें हैं, जितने इसकी करोड़ों की संपत्ति है पूरे देश में, प्रदेश में, उसको जो है खुर्द बुर करने का काम आरके सिंह बिजली मंत्री द्वारा किया जा रहा है। हमारा संघर्ष आज पूरे शाम को जो है पूरे देश के बिजली कर्मचारियों के संगठनों के, अलग अलग संगठनों की मीटिंग दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें कि एक मुख्य निर्णय लिया जाएगा। हो सकता है कि कल सवेरे से ही, रात से ही जो है ये आंदोलन अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल जाएगा। उपभोक्ताओं को परेशानी आएगी, क्या करेंगे? उपभोक्ताओं को तब भी परेशानी है जब बिल 2022 अमेंडमेंट आएगा और उसमें जो है बिजली उपभोक्ताओं को जो है कंपनियों के चक्कर काटने पड़ेंगे। वो कंपनी जो है महंगे दामों पे 9 रुपये के हिसाब से जो है बिजली देगी और जो फैक्ट्रियां हैं, जो कमर्शियल उपभोक्ता हैं, उनको भी जो है ये बहुत महंगी बिजली पड़ेगी और परेशानी अलग होगी। तो हम जनता से भी अपील करते हैं कि इसमें हमारा सहयोग करें और आए मैदान में और इसका डट कर विरोध करें। आप भी विरोध करो, हम भी विरोध करें ताकि ये लागू ना हो। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।